प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज याकूब की पत्री से पहला अध्याय उसके कुछ वचनों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन वचनों से मेरे जीवन में परमेश्वर ने उद्धार को लेकर आया और मुझसे बातें की। मैं ये मैसेज इसीलिए हम बना रहे हैं कि जिन वचनों से परमेश्वर पिता हमसे बात मुझसे बात किया, मेरे जीवन को बदला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 13वां वचन। वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। आमेन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से साथ यही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सच में परमेश्वर हमें बुरी बातों से कभी हमारी परीक्षा नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन मैंने तो यही सुना कि परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन जब ये वचन मेरे जीवन में आया और जब मैंने ये जान लिया कि परमेश्वर कभी बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता, मैंने इसको फिर आगे पढ़ा तो परमेश्वर कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में घिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है 16वें वचन में कि मेरे भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। आमेन। ये वचन आपके साथ शेयर करने का यही एक है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानियां होती ही है, और आप लोग यही सोचते हैं कि शायद परमेश्वर की तरफ से होगी परीक्षा, परमेश्वर हमको इसका प्रतिफल देगा। लेकिन ये वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है कि कोई भी बुरी बातों से वो परीक्षा नहीं करता, ना खुद की और ना हमारी। हम स्वयं ही लोगों इस बात पे विश्वास करते कि ये मेरी मदद करेगा। कोई परीक्षा आई, पैसे का प्रॉब्लम आया तो सोचते हैं यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। हम अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, किसी से भी होप करते हैं और वो मिलता नहीं, और फिर हम खुद ही उस परीक्षा में पड़ जाते हैं और उदास हो जाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी बुरी बात से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। जब भी ऐसे परीक्षा का समय आए, परमेश्वर के चरणों में बैठ के हमें उन्हीं से बोलना चाहिए हर एक चीज। वही है जो हमको सारी परीक्षा से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ये कहता है कि 14वां वचन में, पहला याकूब उसका 14वां वचन में कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में घिंच कर और परीक्षा में फंसता है, और परीक्षा जो है वो गर्भवती होती है और हम फिर पाप में गिर जाते हैं। ये चीज हमें हमेशा नोटिस करना है, क्योंकि जब हमारा काम नहीं होता, जहाँ हम किसी से होप करते कि मेरा माँ है, मेरी बहन है, ये मेरा रिलेटिव है, ये जो भी है हमारी मदद करेगा, वो जब नहीं करते, हमारा मन उनके तरफ से खट्टा हो जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है, हम उनके लिए बुराई करने लगते, हमारा मन कुड़कुड़ाने लगता है। परमेश्वर कहता है कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने को परमेश्वर आशीषित करे। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी अगर कोई परीक्षा में है तो वो ये जान ले कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और हमें इस परीक्षा के समय में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उसी पर ही प्रार्थना करना है, ताकि हमारी हर एक परीक्षा से परमेश्वर हमें बाहर निकाले। आमीन।